हाय फ्रेंड, अंकु एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं टॉर्किंग वैल्यू टॉपिक पर एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि हम लोग इंडस्ट्री में जब बोल्ट को हम लोग टाइट करते हैं, तो हम लोग कितना टाइट करना चाहिए कि बोल्ट टूटे नहीं, उसी टॉपिक पर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे दोस्तों मैं लिखा हूँ टॉर्क। टॉर्क क्या है कि टॉर्क इज ए ट्विस्टिंग फोर्स दैट टेंड्स टू कॉज रोटेशन। मतलब जब हम किसी चीज़ को रोटेशन देके उसको टाइट करते हैं, जैसे बोल्ट को टाइट करते हैं, तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। तो हम कितना लगाएं कि बोल्ट टूटे नहीं। तो टॉर्क जैसे फॉर्मूला में लिखा हूँ, टी इज इक्वल टू एफ इंटू आर इंटू साइन थीटा। एफ मतलब जो हम फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स बता रहा है टेंसाइल फोर्स, कि हम कितना फोर्स उसमें लगा रहे हैं। और आर बता रहा है कि जो हम जैसे स्पिनर यूज कर रहे हैं तो उसका लेंथ कितना है। और साइन थीटा बता रहा है कि आप कितना एंगल पर यूज कर रहे हैं, वो बता रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे अभी हम लोग देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स, जो मैं बताया कि फोर्स जो हम लोग लगाते हैं उसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो इसमें मैं लिखा हूँ स्ट्रेस इक्वल टू टेंसाइल फोर्स बाय एरिया। ये स्ट्रेस क्या है, जैसे कि हम जब कोई बोल्ट को टाइट करते हैं तो हम बाहर तरफ की ओर उसको खींचते हैं, लेकिन बोल्ट भी अपने अंदर की तरफ एक फोर्स लगाता है, तो उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं रिस्टोरेशन फोर्स, जिसका नाम है स्ट्रेस। तो अगर इस फॉर्मूला में देखूँ कि स्ट्रेस इक्वल टू टेंसाइल फोर्स बाय एरिया, कितना एरिया में वो फोर्स लग रहा है बोल्ट का जो डाया है, तो टेंसाइल फोर्स हो जाएगा टेंसाइल फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। अब हम लोग टेंसाइल फोर्स कैलकुलेट करके देखते हैं किसी का। तो जैसे मैं 8.8 ग्रेड का एक बोल्ट लिया हूँ, इसमें देखिए कि अगर मैं पहला 8 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 800 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसी पर अगर किसी बोल्ट को टाइट करेंगे तो वो टूट जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए इसमें अगर 0.8 को 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 640 न्यूटन पर mm स्क्वायर बता रहा है। मतलब इसके बाद क्या है कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स के बाद बोल्ट धीरे धीरे डिफॉर्म होता है। अब 640 अगर 90% निकालेंगे तो 576 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, यही उसका सेफ लोड है। तो यही सेफ लोड हमको पता करना है न्यूटन मीटर में। तो अब चलिए हम लोग कैलकुलेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स, एक M30 8.8 ग्रेड का बोल्ट लिया हूँ, इसका टेंसाइल फोर्स निकाल कर देखते हैं। तो टेंसाइल फोर्स का फॉर्मूला जैसे मैं लिखा था कि स्ट्रेस इंटू एरिया। तो स्ट्रेस क्या है कि जैसे अभी 8.8 ग्रेड का बोल्ट को मैं निकाला था 576 को अगर उसके एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 407203.2 न्यूटन। अब नेक्स्ट देखते हैं कि टॉर्क कैलकुलेशन हम लोग को कैसे करना है किसी भी बोल्ट का। जैसे टी इक्वल टू मैं लिखा हूँ के इंटू एफ इंटू डी। ये टी होता है टॉर्क, जो रेंज से हम लोग उसको देंगे। के है कि कॉन्स्टेंट दैट डिपेंड्स ऑन बोल्ट मटेरियल एंड साइज, बोल्ट का मटेरियल और साइज पर ये डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डी। डी क्या बता रहा है कि नॉमिनल बोल्ट डायमीटर, बोल्ट का जो डायमीटर है, जैसे मैं 30 mm का बोल्ट लिया हूँ उसको बता रहा है। और एफ है टेंसाइल फोर्स, जो फोर्स हम यूज करते हैं। तो ये सारा को लेकर अभी मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो जैसे मैं एक ग्रेड 8.8 M30 का बोल्ट लिया हूँ, इसका अगर टॉर्क कैलकुलेशन करूँगा तो जैसे के का वैल्यू आपको 0.2 सभी के लिए ले लेना है। एप का वैल्यू हम लोग लास्ट स्लाइड में उसको निकाले थे। अब डी है 30 mm बोल्ट का जो डाया है। अब इसको कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे, टी स्केल टू 0.2 इंटू 407203.2 न्यूटन इंटू 30 mm। अब क्या करना है, तो इसमें जो 30 mm है उसको मीटर में चेंज कर लेना है। तो मीटर में अगर हम चेंज करके कैलकुलेट करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगा 2443.21 न्यूटन मीटर। तो आप देखिए, देखते हैं दोस्तों, ये जो टॉर्क वैल्यू मिला मेरे को, ये टॉर्क एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब जो सोसाइटी ऑफ अमेरिकन इंजीनियर का कहना है कि अगर हम लोग SAE 30 ग्रेड का ऑयल में इसको डुबा के निकालते हैं तो ये 40% इसका रिक्वायर्ड जो टेंशन है टॉर्क वो कम हो जाएगा। अब इसका अगर हम लोग 40% कम हो जाता है और इसका 60% अगर निकालते हैं फाइनल टॉर्क का, तो हमको मिलता है 1465। यही है आपका फाइनल टॉर्क, मतलब 8.8 ग्रेड M30 के बोल्ट में हम लोग इतना का टॉर्क यूज करते हैं। तो अब हम लोग दो क्वेश्चन पाते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज स्पिनर नॉट स्ट्रेट बट बेंड एट द एंड। कोई भी स्पिनर जो हम लोग यूज करते हैं, पाना जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एंड में बेंड क्यों रहता है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन से हम लोग टॉर्क का जो टॉपिक है कुछ हद तक समझ में आएगा। तो इसके आंसर है, एक्चुअली व्हेन वी टाइटन और लूजन एदर ए बोल्ट और नॉट, वी अप्लाई टॉर्क एंड द टॉर्क ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डाया ऑफ बोल्ट। दैट्स व्हाई वी कैन टाइट और लूज ए बोल्ट इफेक्टिवली,
बट इफ वी यूज स्ट्रेट स्पिनर फॉर टाइटन और लूजन ए बोल्ट इट ऑलवेज स्लिप। इसका कहना है कि अगर हम लोग बेंड स्पिनर की यूज करेंगे और जब हम लोग किसी बोल्ट या नट को टाइट या लूज करेंगे तो उस समय जो हम टॉर्क यूज करेंगे वो उसका परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पे लगेगा, जिससे हम लोग टाइट या लूज कर पाएंगे। और अगर सीधा स्पिनर से हम लोग उसको टाइट करने या लूज करने की कोशिश करेंगे तो वो स्लिप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इजियर टू लूजन ए नॉट यूजिंग ए लॉन्ग स्पिनर देन ए शॉर्ट स्पिनर। अगर हम लोग लंबा स्पिनर से किसी बोल्ट को लूज या टाइट करेंगे शॉर्ट स्पिनर के अलावा तो हमको ईजी आसान क्यों हो जाता है, हम लोग ईजिली क्यों हम लोग लॉन्ग स्पिनर से मतलब लंबा पाना से उसको आसानी से टाइट या लूज कर पाते हैं। तो इसके आंसर है जो जैसे लॉन्ग स्पिनर में हम लोग को कम फोर्स लगाने का जरूरत पड़ता है और शॉर्ट स्पिनर में ज़्यादा फोर्स लगाने का जरूरत पड़ता है। तो देखिएगा जो स्पिनर का लेंथ ज़्यादा रहता है लंबा रहता है वो उससे हम इजीली किसी बोल्ट या नट को टाइट या लूज कर लेते हैं क्योंकि उसमें हमको कम फोर्स का जरूरत पड़ता है। और जब हम छोटा स्पिनर लेते हैं तो उसमें हमको ज़्यादा फोर्स का जरूरत पड़ता है जिससे हम अपना फोर्स तो यूज करते हैं बट हम लोग उसको यानी बोल्ट को लूज या टाइट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।